दोस्तों, कभी-कभी हमें अपने माता-पिता ने हमारे लिए किए हुए त्याग और मेहनत का एहसास नहीं होता। ये कहानी भी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जो अपनी माँ का ऋण चुकाना चाहता था। तो आखिर कैसे उसने अपनी माँ का ऋण चुकाया? चलिए देखते हैं ये कहानी। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी रामेश्वर नाम के एक व्यक्ति की है जो अपने जीवन में काफी सफल हो चुका है। एक दिन वो अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, आज जो कुछ मेरे पास है, मैं जिस सफलता की बुलंदियों को पा चुका हूँ, वो सब आपके प्यार की और ममता की ही देन है। इसलिए माँ, आपने जो प्यार किया है उसका कुछ ऋण मैं चुकाना चाहता हूँ। ये सुनकर माँ आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था जो कि मैंने अपनी संतान के लिए निभाया। लेकिन रामेश्वर बार बार जिद करने लगा। वो कैसे भी करके अपनी माँ के ऋण चुकाना चाहता था। वो अपनी माँ की एक ना सुन रहा था। आखिर परेशान होकर माँ बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे बगल में वैसे सोओगे जैसे बचपन में सोया करते थे? रामेश्वर को ये बात बड़ी आसान लगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है माँ, आज रात मैं आपके बगल में ही सोऊंगा। उस रात रामेश्वर माँ के बगल में वैसे ही सोया जैसे बचपन में सोता था। अचानक उठकर माँ ने एक मग में पानी लाया और जिस जगह पर वो सोई थी वहाँ डाल दिया। पानी फैलते हुए अब रामेश्वर की तरफ चला गया। पानी की नमी से रामेश्वर परेशानी महसूस करने लगा। वो दूसरी तरफ खिसक गया। अब माँ ने उस और पानी डाल दिया। पानी की नमी से अब वो सो ही नहीं पा रहा था। वो नींद से उठ गया और माँ के हाथ में पानी का मग देखकर गुस्से से बोला, आप ये क्या कर रही हो माँ, मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देती हो? आप मुझे गीले बिस्तर पर भला कैसे सुला सकती हो? माँ मुस्कुराई। बेटा, जब तुम बचपन में मेरे बगल में सोते थे तो तुम भी ऐसे ही बिस्तर गीला कर देते थे और फिर मैं तुम्हें दूसरी तरफ करके खुद वहाँ पे सो जाया करती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो ना, तो क्या तुम एक रात के लिए इस गीले बिस्तर पर नहीं सो सकते? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरे ममता का कर्ज चुका दिया है। माँ की बातों ने रामेश्वर की आंखें खोल दी। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया है कि मेरी खुशी के लिए आपने न जाने कितनी रातें ऐसे ही गवा दी है। मैं उस कर्ज को कैसे चुका सकता हूँ माँ? अब रामेश्वर अपने किए पर शर्मिंदा था और उसकी माँ ने उसके लिए उठाए कष्टों के प्रति कृतज्ञ भी। देखा दोस्तों, रामेश्वर को समझ आ गया कि माँ के ऋण चुकाना कोई छोटी बात नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे माता पिता हमारे लिए जो त्याग और मेहनत करते हैं वो अतुल्य है। हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? भगवान भी जिसका प्यार पाने के लिए तरसता है, आखिर वो चीज है क्या? हमारी इस कहानी में इसी सवाल का जवाब छुपा हुआ है। तो फिर देर क्यों करें? चलिए ये कहानी देखते हैं। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी माँ से कभी भी ठीक से बात नहीं करता, हमेशा उसे डांटता और कड़वी बातें करता। गोलू की माँ का आधा चेहरा आग से जला हुआ था और उससे पड़े छालों की वजह से उसका चेहरा बड़ा ही भयानक दिखाई देता। गोलू इस बात को लेकर हमेशा दुखी रहता कि उसकी माँ खूबसूरत क्यों नहीं है। एक दिन गोलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अरे बच्चों, चलो बहुत खेल लिए, चलो चलो घर जाओ। अब थोड़ी देर और खेल के हम चले जाएंगे मौसी। गोलू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती नहीं है जो तुम इतना खेलते हो? हाँ नहीं मौसी, मेरी माँ तो इधर नहीं है, मैं बस अपने पिताजी के साथ रहता हूँ। अच्छा, इसीलिए तुम इतनी देर से बाहर खेल रहे हो। इतने में वहाँ पे गोलू की माँ आ जाती है। माँ को देख गोलू भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे गोलू, कहाँ चले गए? हाँ, आप कौन हो? मैं गोलू की माँ हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? हाँ, गोलू की माँ, उसने तो हमें बताया था कि उसकी माँ इस गांव में नहीं रहती और वो अपने पिताजी के साथ अकेला रहता है। हाँ सच्ची तो है, मैं आज ही तो शहर से गांव आई हूँ, उसे ही ढूंढ रही हूँ। अगर वो दिखे तो उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रही थी। ये कहकर गोलू की माँ वहाँ से चली जाती है
और गोलू पेड़ के पीछे से बाहर आता है। गोलू, क्या सच में वो तुम्हारी माँ है? उनके चेहरे को क्या हुआ है? कितना डरावना है उनका चेहरा, और उन्हें देख के तुम छुपे क्यों? गोलू अपने दोस्तों के इन सवालों से परेशान हो गया। उसे अपनी माँ पर बड़ा ही गुस्सा आया और बिना कोई जवाब दिए वो वहाँ से निकल पड़ा। घर पहुँचते ही वो माँ को डांटने लगा। माँ, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मेरे दोस्तों के सामने मत आया करो। गोलू, तुम्हें आने में बड़ी देर हो रही थी तो मुझे चिंता होने लगी, बस इसीलिए मैं वहाँ चली आई। कोई जरूरत नहीं है मुझे ढूंढने की। तुमने मुझे आज मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया है। वो सभी तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे से डर गए, अब वो कभी मेरे साथ नहीं खेलेंगे। ऐसे ना बोलो बेटा, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने कभी नहीं आऊँगी। कोई जरूरत नहीं है रोने की और गिड़गिड़ाने की। मैं ही ये घर छोड़ के जा रहा हूँ ताकि फिर कभी मुझे तुम्हारा ये डरावना चेहरा नहीं देखना पड़े। गोलू की माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर गोलू अपनी माँ को रोता छोड़ वहाँ से निकल जाता है। गोलू एक तालाब के नजदीक पहुँचता है। उसे बड़ी प्यास लगी होती है, इसीलिए वो पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ता है। तभी उसके कानों पर किसी की रोने की आवाज पड़ती है। गोलू पास ही में देखता है और दंग रह जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे सुनहरे सिंह वाला एक हिरन रो रहा है। हाँ, कितने खूबसूरत हो तुम। काश मेरी माँ भी तुम्हारे जितनी खूबसूरत होती। पर तुम रो क्यों रहे हो? मैं अपनी माँ के याद में रो रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? हम दोनों इस तालाब पे पानी पीने आए थे, मगर इस तालाब में रहने वाले एक मगरमच्छ ने मुझ पर हमला कर दिया। वो मुझे दबोचने ही वाला था कि मेरी माँ उस मगरमच्छ पे झपट पड़ी। अपनी जान गंवाकर माँ ने मुझे बचाया। मैं हर रात यहाँ पे आके माँ की यादों में आंसू बहाता हूँ। तुम्हारी माँ बड़ी ही खूबसूरत होगी। काश मेरी भी माँ खूबसूरत होती। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इस दुनिया की सबसे मूल्यवान, खूबसूरत और कीमती चीज एक माँ ही तो है? तुम झूठे हो। मेरी माँ खूबसूरत नहीं है, उसका चेहरा डरावना है। मैं उसे छोड़ घर से भाग आया हूँ। ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हारी माँ का चेहरा डरावना है तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। एक काम करो, तुम मेरे इस सुनहरे सिंह को अपने हाथों से पकड़ लो। इनमें जादुई शक्ति है जो तुम्हें अतीत में झांकने का मौका देगी और तुम्हें सच्चाई का पता लग जाएगा। क्या सच में? हिरन की बात मानकर गोलू उसके सिंह पर हाथ रखता है और अपने माँ के बारे में सोचने लगता है। गोलू को अपना बचपन दिखाई देता है। वो अपनी माँ के गोद में सो रहा है और उसकी माँ उसे लोरी सुना रही है। गोलू की माँ का चेहरा बड़ा ही खूबसूरत और खुश लग रहा है। अचानक घर के बाहर जोर की हवा चलने लगती है। तेज हवा के चलते एक छोटा हादसा होता है और घर में आग लग जाती है। देखते देखते आग पूरे घर में फैल जाती है। जिस छत के नीचे छोटा गोलू सो रहा है वो छत भी आग के लपटों में आ जाती है। छत का जलता हुआ टुकड़ा गोलू पर गिरने लगता है। तभी अचानक माँ गोलू को बचा लेती है, मगर खुद की खूबसूरती खो देती है। मैं गधा हूँ, बेवकूफ हूँ। सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मेरी माँ ने इतना बड़ा खतरा मोड़ लिया और मैंने माँ को बड़ा दुख दिया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अब बस रोते ही रहोगे या फिर अपने माँ के पास भी जाओगे? अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? पगले, माँ का दिल तो दरिया से भी बड़ा होता है। वो तुम्हें देखते ही गले लगा लेगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारी खूबसूरती को समझ ना पाया। मुझे माफ कर दो माँ। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मेरा लाडला गोलू। देखा दोस्तों, माँ से मूल्यवान इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। वो माँ ही है जिसका प्यार पाने के लिए भगवान भी तरसता है। गोलू को इसी बात का एहसास हुआ कि माँ की खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी ममता में छिपी होती है। माँ प्यार और ममता का प्रतीक है। उसकी सेवा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों,
ये कहानी स्वरा नाम के एक 12 साल की लड़की की है जो अपने घर की गरीबी से तंग आ गई थी। उसका दुखड़ा सुनकर गणपति पप्पा ने उसे एक अनोखा वरदान दिया। क्या था वो वरदान, चलिए देखते हैं ये कहानी। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मनीष और सुषमा बहुत खुश हुए जब उनके घर बेटी पैदा हुई। उन्होंने सारे गांव को दावत पे बुलाया। मनीष एक दर्जी था जो गांव में बहुत ही मशहूर था। अरे मनीष, मुझे अपने साले की शादी में जाना है, मेरे लिए एकदम अच्छा सा सूट सिला दो, क्यों नहीं सेठ जी। मनीष के काम से सारे गांव वाले खुश थे। मनीष की पत्नी सुषमा भी उसका हाथ बटाया करती थी और ज्यादातर औरतों के कपड़े सुषमा ही सिलाया करती थी। दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। लेकिन अचानक एक दिन मनीष का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वो वही चल बसा। सुषमा अब अकेली रह गई थी। सुषमा ने कपड़े सिलने का काम जारी रखा जिससे उसका घर चल रहा था। अब वो सिर्फ औरतों के ही कपड़े सिल रही थी जिससे मुश्किल से उनका गुजारा होता था। इस बात को 12 साल बीत चुके थे और सुषमा अभी भी सिलाई का काम ही करती थी। उसकी बेटी स्वरा अब बड़ी हो रही थी। माँ, मुझे भी सोने की बाली चाहिए। विद्या के पापा ने उसके लिए नई बाली खरीदी। तुम मेरे लिए सोने की बाली कब खरीदोगी? स्वरा, तुम तो जानती हो कि मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे स्कूल का खर्चा जोड़ती हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें सोने की बाली कैसे खरीद के दूँ? स्वरा माँ से रूठकर रोया करती थी। कुछ दिनों बाद एक बार फिर स्वरा घर मुंह फुला के आई। क्या हुआ स्वरा? कुछ नहीं। सुषमा स्वरा के पास गई। अब कौन सी बात तुम्हें सता रही है? क्यों हम ही गरीब हैं? क्यों मेरे पापा नहीं हैं? क्यों माँ, क्यों? क्योंकि ये सब भगवान की मर्जी है। क्यों भगवान मेरे साथ ही ये सब कर रहे हैं? लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओगी? आज मेरे सभी दोस्तों के पास अपनी अपनी साइकिल है। एक मैं ही हूँ जो स्कूल पैदल जाती हूँ। मेरे सभी दोस्तों को कुछ न कुछ तोहफा मिलता ही रहता है। और एक मैं हूँ जिसके पास ढंग के कपड़े और चप्पल तक नहीं है। स्वरा बेटा, तुम तो रहने ही दो माँ, जब देखो वही बोलती हो, हम गरीब है वगैरह वगैरह। ऐसा बोलकर स्वरा तमतमाते हुए घर से बाहर निकल गई। वो सीधे मंदिर जा पहुंची। गणपति जी, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। क्यों मैं गरीब हूँ? क्यों मेरे पापा जिंदा नहीं है? क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिलता? क्यों मेरे पास ही साइकिल नहीं है? क्यों मुझे कोई तोहफा नहीं देता? स्वरा की इतनी सारी शिकायतें सुनकर गणपति प्रकट हुए। स्वरा, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्योंकि यही नियति थी। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? और माँ, वो तो मेरी एक बात नहीं मानती। उनके पास इतने पैसे हैं, फिर भी मुझे कुछ दिलवाती ही नहीं है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब से जब भी तुम्हारी माँ रोएगी तो उनके आंसू हीरे बन जाएंगे जिसे बेचकर तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। लेकिन याद रखना, अगर इसके बाद कभी तुम रोई तो ये सब खत्म हो जाएगा और तुम वापस पहले जैसे गरीब हो जाओगी। स्वरा ने गणपति जी को प्रणाम किया, वो वहाँ से चली गई। स्वरा घर आई और उसने अपनी माँ से उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। आपकी, सिर्फ आपकी वजह से मैं गरीब हूँ। आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब सुनकर उसकी माँ रोने लगी और उसके आंसू हीरों में बदलने लगे। स्वरा ने सारे हीरे जमा कर लिए। इन हीरों को बेचकर स्वरा और उसकी माँ अमीर हो गई। अब से जब भी स्वरा को पैसों की जरूरत होती वो माँ को रुलाया करती थी। ऐसा करते करते कुछ साल बीत गए। अब स्वरा 17 साल की खूबसूरत युवती थी। उसे महंगे गहने और कपड़ों का शौक था, इसीलिए अब वो अपनी माँ को अक्सर रुलाया करती थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत बहुत खराब हुई। स्वरा, यहाँ आओ। माँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। सिर्फ 2 मिनट बेटा। हाँ माँ, बोलो। मुझे लगता नहीं कि मैं अब और ज्यादा जी पाऊंगी, लेकिन तुम्हें ये बात बताना बहुत जरूरी है। तुम मेरे और तुम्हारे पापा की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। तुम्हें पालने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं नाकाम रही। लेकिन स्वरा बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस बार जब सुषमा रोई तब उसकी आंखों से 2 लाल हीरे निकले। स्वरा ने जब वो हीरे उठाए और उन्हें देखा तो उसमें उसे अपने बचपन की यादें दिखी। उसके पैदा होने की खुशी, उसके पापा की मौत, उसके माँ की रात रात भर की मेहनत, ये सब देखकर स्वरा भावुक हो गई और वो रोने लगी। स्वरा के रोने से सब कुछ पहले की तरह बदल गया। स्वरा वापस 12 साल की बन गई। स्वरा ने अपनी माँ को गले लगाया। माँ,
अब मैं तुम्हें वापस कभी नहीं रुलाऊंगी। तुम्हारे आंसू किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती हैं। मैं अब से कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे माफ कर दो माँ। हाँ, पर किस लिए? सुषमा को याद ही नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन स्वरा को सब कुछ याद था। देखा दोस्तों, हीरो के लालच में आकर स्वरा अपनी माँ को हमेशा रुलाया करती थी। माँ के आंसू हीरो में बदल जाते थे, जिनसे स्वरा अपना स्वार्थ साधती थी, लेकिन आखिर उसे अपनी गलती का एहसास हो ही गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता पिता किसी भी कीमती हीरे या मोतियों से ज्यादा अमूल्य है, हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। थी ना मजेदार कहानियाँ? तो चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।